Hello students, our next topic is even and odd numbers, place value and face value, expanded form and short form. First of all, हम सबसे पहले करते हैं even and odd numbers. इसका मतलब क्या होता है? Even number वो होता है जिसके ones place में क्या होता है? 0, 2, 4, 6 and 8 होता है. जिसके ones place में कौन-कौन से number होते हैं? 0, 2, 4, 6 and 8. जैसे 3,806 ये इसका ones place है, ये tens, ये hundreds and then ये thousands. इसके ones place में क्या number है? 6. तो 6 कौन सा number हो गया? Even number. ऐसे ही next, इसके ones place में क्या है? 4. तो 2,524 कौन सा number हो गया? Even number. जिसके ones place में 0, 2, 4, 6 और 8 number आते हैं, उसको वो कौन सा number होता है? Even number. Odd numbers. और नंबर्स क्या होते हैं जिसके वंस प्लेस में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है. जैसे वंस प्लेस में इसके क्या है? 3, टेंस में 1, हंड्रेड्स में 1, थाउजेंड्स में 1. वंस प्लेस में 3 है तो 3 कौन सा नंबर हो गया है? ओड नंबर. इसके वंस प्लेस में देखिए 5, 5, 8, 2. वंस प्लेस में क्या है? 5. तो 5 कौन सा नंबर हो गया? ओड नंबर. सेम इसके वंस प्लेस में 7 है, 7 ओड में ओड नंबर है, तो 5287 क्या हो गया है? ओड नंबर. नाउ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे 4832. 2 का कौन सा प्लेस है? वंस. 8, 3 का कौन सा है? टेंस. 8 का कौन सा है? हंड्रेड्स. 4 का कौन सा है? थाउजेंड्स. 2 का वंस प्लेस है तो 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 1. 2 वंस आर 2. नेक्स्ट इज 3. 3 का कौन सा प्लेस है? 10. तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10. 3 10 जा 30. नेक्स्ट इज 8. 8 कौन सा प्लेस है? 100. 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100. 800 जा 800. नेक्स्ट इज 1000. 4 क्या है? 1000 प्लेस में 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000. तो 4000 जा 4000. ये हो गए इसके प्लेस वैल्यू. 2 का प्लेस वैल्यू 2, 3 का 30, 8 का 800, 4 का 4000. अब हमें बताना है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होता है? देखिए फेस वैल्यू में क्या होता है, सेम एज इट इज वो ही नंबर आता है. जैसे 2 का फेस वैल्यू पूछा है तो 2, 3 का फेस वैल्यू 3, 8 का फेस वैल्यू 8, 4 का फेस वैल्यू 4. फेस वैल्यू में हमें प्लेस वैल्यू में कैसे नहीं करना होता है, फेस वैल्यू में हमें एज इट इज जो नंबर जहां लिखा होता है वो नंबर सेम एज इट इज हम फेस वैल्यू में लिख देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. आपको नेम से ही पता चल रहा है एक्सपेंड करना. एक्सपेंड मीन्स खोलना, उसको पूरा खोल कर लिखना उसको हमें. अब देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास 5826. 5 के ऊपर क्या है? 1000. 8 के ऊपर क्या है? हंड्रेड्स. 2 के ऊपर क्या है? टेंस. 6 के ऊपर क्या है? वंस. अब उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, मतलब उसको हमें पूरा खोल कर लिखना है अच्छे से. अब देखिए 5 के ऊपर 1000 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5000 प्लस 8 के ऊपर 100 है, इसको हम क्या लिखेंगे? 800 प्लस 2 के ऊपर 10 है तो 2 को हम क्या लिखेंगे? 20. और 6 के ऊपर 1 है, 6 के ऊपर 1 है तो इसको हम ऑनली क्या लिखेंगे? 6. ये हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है, 5000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 6. नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट फॉर्म. जो शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म मीनिंग सेम होता है. शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने खोल कर लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में हमें एक्सपेंड किया हुआ है, उसको हमें शॉर्ट में लिखना है, छोटे में लिखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या है? 2000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 5. अब 2 क्या है? 1000. तो 1000 के नीचे क्या आ जाएगा? 2. नेक्स्ट 8 क्या है? 100. 100 के नीचे क्या आ जाएगा? 8. 20. 20 मीन्स टेंस में, टेंस में क्या आएगा? 2. ओनली 5. 5 अगर ओनली सिंगल नंबर है तो वो किसके नीचे आ जाएगा? वंस. तो नंबर इज 2825. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? 2825. थैंक यू.